हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले रीजनिंग के कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं ये 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की पूरी प्लेलिस्ट देखना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल आपका एग्जाम है आरपीएफ एसआई वालों का, तो ऑल दी बेस्ट, एग्जाम अच्छे से करके आइएगा। सब कुछ मैंने कवर करा दिया आपको मैथ और रीजनिंग में, करंट अफेयर आपकी चली रही है डेली, तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। लगातार इन वीडियोस का नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं आगे भी, तो अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लीज यार शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, और आप साथ ही साथ क्वेश्चन को ट्राई करते हो चलिए, और देखते हैं कितने बच्चे यहां पे राइट आंसर करेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे ये जो सीरीज आपको दिख रही है पी ई ओ एन, और यहाँ पे ये है क्यू आर एच एस, फिर नेक्स्ट आपको जे ओ सी के, और नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या ये इनके बीच में कोडिंग होगी। तो इनके बीच का रिलेशन पहले फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पी और एस, ठीक है, इनमें प्लस थ्री किया गया है, और ई में प्लस थ्री करेंगे तो एच हो जाएगा, ओ में प्लस थ्री करेंगे आर हो जाएगा, एन में प्लस थ्री करेंगे तो क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस थ्री करके ये सीरीज बनाई गई है, तो वैसे ही हम कर लेंगे इसमें। तो जे में हम प्लस थ्री करेंगे तो लास्ट वाला आपका क्या बन के आएगा, लास्ट वाला हो जाएगा आपका एम, ठीक है। फिर ओ में हम प्लस थ्री करेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा आर, सी में भी हम प्लस थ्री करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एफ, और K में प्लस थ्री करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा N। तो N F R M इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए कौन सा है, N F R M यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब ये वाला नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन तो 100% एक दो जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर इनके अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं है, यानी कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, तो ये आप याद कर लीजिए, या फिर अभी टाइम नहीं है तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपको एग्जाम में जाते ही जो रफ शीट मिलती है उसमें एक काम कर लेना है, ए से M तक, M के नीचे N और N से Z तक इस तरीके से लिखेगा, मतलब इस सीक्वेंस में, और इनके ऊपर 1 2 3 4 5 डाल लीजिएगा। बहुत ही मतलब 30 सेकंड में आपको ये काम करना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी अल्फाबेट का नंबर आपको नहीं पता होगा, तो उसके ऊपर देख करके वो नंबर आप उससे इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अक्षर समूह दर्पण में ऐसा ही दिखाई देगा, यानी कि अगर आप इसको मिरर में देखें किसी भी इन चारों ऑप्शन में से, तो वो वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, वो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर टू को जल्दी से ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कितनी जल्दी मैं इसको करूँगा। यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना है, और ऑप्शन के एक या दो अल्फाबेट में आपको पता चल जाएगा कि ये वाला मतलब आपका आंसर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जब किसी भी इन चारों में से हम मिरर में देखेंगे, तो मिरर में उसकी इमेज वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई भी अल्फाबेट अपनी जो है डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, तो वो आपको देखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन को मैं देखूँ तो ओ तो वैसा का वैसे रहेगा, बट एस चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये पहला नहीं होगा। फिर इसमें वी वैसे रहेगा, एच वैसे रहेगा, आर चेंज हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर इसमें H वैसे ही रहेगा, I भी वैसे रहेगा, M भी वैसे रहेगा, O भी वैसे रहेगा, बट S फिर आपका चेंज हो जाएगा, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर ऑप्शन D बचा, आप डायरेक्ट इसको राइट आंसर लगा सकते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको मिरर में देखूं, तो A आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, O भी वैसे रहेगा, V भी वैसे रहेगा, I भी वैसे रहेगा, V भी वैसे रहेगा, O भी वैसे रहेगा, A भी वैसे रहेगा, तो आपका ऑप्शन D बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, देखिए कभी भी आप A को मिरर में देखेंगे तो वो वैसा का वैसा ही नजर आएगा, O को भी देखेंगे तो वैसा का वैसा ही नजर आएगा, ठीक है। V को भी आप अगर मिरर में देखेंगे, अगर V इधर है इसको मिरर में देखें तो ये वैसा का वैसे दिखाई देगा, आई भी दिखेगा वैसे ही, ओ भी और ए भी, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या है, राइट आंसर बताइए, जल्दी से ट्राई करिए। लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राई करेंगे मल्टीप्लाई। 7 की 9 में क्या, तो कितना होगा 63। अब 63 के किस में मल्टीप्लाई की जाए कि 378 बन जाए, तो मैं सबसे पहले 3 की करके देखूंगा, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 378 है। तो 63 की मैं मल्टीप्लाई 6 में करूंगा, तो ये बिल्कुल सही, आपका 378 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन गया भाई, ये बन जाएगा 6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए आप कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में राइट आंसर क्या रहेगा, दिए गए अभिरचना का अनुकरण न करने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है उसमें से एक रोंग है,
तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें से आपको जो ये पूरी सीरीज लिखी है, इसमें से एक सीरीज अलग है वो क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सीरीज को एनालाइज करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करूँगा 16, 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25, 6 का स्क्वायर कितना करूँगा तो कितना आना चाहिए 36, यहाँ पे 37 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये 5 क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ पांचवा है। तो भिन्न निम्न में निम्न से भिन्न चित्र को चुनिए, यानी कि इनमें से कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताइए। तो इस वाले अगर मैं इस ऑप्शन ए की बात करूँ, तो इसमें देखिए ये वाला जो एरो का साइन है इस डायरेक्शन में, और फिर ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, मतलब ये अपोजिट नहीं है, ये इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे घूम के फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि क्लॉक वाइज चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही चल रहा है आपका, जैसे क्लॉक की चलती है ये क्लॉक वाइज ही चल रहा है। बट यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में भी बिल्कुल ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये भी क्लॉक वाइज चल रहा है। बट अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ, तो ये इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई, ये एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज ये चल रहा है, जैसे घड़ी आपकी इस किस डायरेक्शन में चलती है, इस टिक 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 ऐसे चलती है ना, बट इसमें चल रहा है एंटी क्लॉक वाइज, ये घड़ी के अपोजिट चल रहा है, जैसे इसमें भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें भी, और इसमें आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना, उल्टी डायरेक्शन में, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और इसको ट्राई करिए क्या इसका राइट आंसर रहेगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे है, अशोक दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो अशोक को 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर मूव करा देते हैं, यहाँ पे इसने गाड़ी चलाई अपनी 6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ने के बाद में, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ के वो 4 किलोमीटर फिर गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पे वो आ चुका है, ठीक है। चलिए फिर वह फिर बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो फिर वो बाएं मुड़ेगा, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक आ चुका है और अभी बाएं मुड़ के 9 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये 6 किलोमीटर है, ठीक है ना, 4 यहाँ चला चुका है, ये 6 यहाँ तक हो जाएगा, बाकी 3 आपको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 9 किलोमीटर तब यहाँ पे माना जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो नीचे की भूल जाते हैं कि नीचे 6 किलोमीटर हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, और वो फिर यहीं पे 9 पे रोक देते हैं और क्वेश्चन बन जाता है गलत, ठीक है। तो 9 किलोमीटर चला दिया है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गाड़ी चलाता है, यदि ये दोनों स्थान एक सीधी सड़क से जुड़े हों तो यह आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यह आपको बताना है। देखिए अभी वो यहाँ पे चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे पहुँच जाता है, बोला कि अगर ये सीधी सड़क से जुड़े हों तो अब कितनी दूरी पर है वो उस स्थान से जहाँ से वो चला था और जहाँ पे वो अभी है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बन गया है ट्रेंगल, जिसमें आपको दो साइड की जो है गिविन है और ये आपको बताना है। तो जब ये आपको पता होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, ये ए बी स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर के, तो बस आपको यही करना है सीधा सीधा, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आप निकाल लेंगे। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, तो 9 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर के, तो स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो ए सी कितना मिल गया आपको, ये 5 मिल जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 किलोमीटर, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 7वां है, इसको बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक भिन्न है। तो यहाँ पे आपको 7वें भिन्न आपको बताना है, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, कैसे यहाँ पे बताएंगे भिन्न आपको, 4 ऑप्शन है, कैंची, ब्लेड, आरी और हथौड़ी। तो यहाँ पे इन चारों में से भिन्न कौन सा है भाई, अगर मैं बात करूँ कैंची भी एक काटने के लिए
ब्लेड भी काटने के लिए, आरी भी काटने के लिए, बट हथौड़ी जो होता है आपका पीटने के लिए या ठोकने के लिए होता है किसी चीज़ को, तो ये भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि आपको एग्जाम में कुछ भी देख के ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चाहे क्वेश्चन ईजी हो चाहे हार्ड हो, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन सा एक बेमेल है, तो इनमें से बताइए बेमेल कौन सा है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन है ऋग्वेद, रामायण, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये देखिए, तीन तो आपके वेद हो गए, ये आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, बट रामायण जो है आपका एक महाकाव्य है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा बेमेल है, तो ये बेमेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीन तो आपके वेद दे दिए गए हैं, ठीक है, और एक आपका महाकाव्य दे दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का राइट आंसर क्या रहेगा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9वें में आप लुप्त संख्या ज्ञात करिए और कमेंट बॉक्स में यार आंसर जरूर दिया करें। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है बिल्कुल, वीडियो को रोक करके ट्राई कर सकते हैं। +3 कर दिया है, डिफरेंस कितने का है 3 का, तो +3 कर दिया गया है। डिफरेंस कितने का है 5 का, तो +5 कर दिया गया है। डिफरेंस आपका नेक्स्ट कितने का होगा, यहाँ पे 3 प्लस किया गया था, यहाँ पे 5, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट चल रहा है 2 का, तो यहाँ पे 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको 12 में 7 प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। फिर आप 7 में प्लस 2 करिए कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 फिर 19 में प्लस करेंगे 28, फिर आप यहाँ पे 9 प्लस करते हैं तो 9 में 2 प्लस करिए 11, और 28 में 11 प्लस करेंगे तो 39। तो इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में बताइए राइट आंसर क्या आएगा। तो इसमें भी आपको ईजिली पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आना है, दिन, दिन का अपोजिट क्या होता है, रात होता है, ठीक है, विलोम जो होता है आपका दिन का रात होता है, तो युद्ध का क्या होगा, युद्ध का शांति होगी, सैनिक होगी, अयुद्ध होगा या बुद्धिमानी होगी, तो शांति होगी ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे शांति आपका ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, बस थोड़ा सा अगर आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं तो आप इजीली लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें का राइट आंसर बताइए, यह आपका 11वां क्वेश्चन है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करिए, इसमें भी आपको लुप्त संख्या बतानी है, तो किस तरीके से आपको इस सीरीज चलानी है। यहाँ पे 2 से 6 बड़ा कितना बड़ा 4, 6 से 12 बड़ा कितना बड़ा 6, 12 से 20 हुआ कितना बड़ा 8। इसका मतलब मैं समझ गया कि क्या चल रहा है, +4 किया गया, 4 में +2 किया तो 6 बढ़ा दिया, 6 में +2 किया तो 8 बढ़ा दिया, 8 में +2 करेंगे तो 10 बढ़ा देंगे, 10 में +2 करेंगे 12 बढ़ा देंगे, वैसे 12 में +2 करेंगे तो 14 बढ़ा देंगे, 14 बढ़ेगा, 42 में 14 प्लस करेंगे तो 56, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो एक सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बिल्कुल सामने सामने सीधा आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। निम्न श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए, क्वेश्चन नंबर 12, तो ट्राई करिए इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ ये सभी स्क्वायर चल रहे हैं, बट इसमें से एक जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे ये 4 का हो गया स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का हो गया, बट ये आपका जो 72 ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए, तो यही आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, फिर ये 12 का हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर है, ये आपका 15 का स्क्वायर है, यानी कि सारे के सारे नंबर जो दिए गए हैं सभी स्क्वायर है किसी न किसी नंबर के, बट 72 इसमें स्क्वायर नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए, तो 13 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। इसमें आपका प्लस चल रहा है, प्लस किस तरीके से, यहाँ पे +1 किया गया, +2 किया गया, +3 करेंगे तो आपका 10, +4 करेंगे तो आपका 14, +5 करेंगे तो यहाँ पे आपका 19 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 18 लिखा है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे +5 हो गया, यहाँ पे +6 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज चल रही थी, जिसमें आपका यहाँ पे आना तो था कितना +5, बट यहाँ पे कर दिया गया है +4, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पड़ेंगे अगर आप ये समझ गए हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपकी एक सीरीज दी गई है यहाँ पे, और नेक्स्ट पूछा गया क्या आएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी, कौन सा इनमें से होगा आपका राइट आंसर ए बी सी डी में से।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन एरोज़ की, तो ये है यहाँ पे देखिए, शुरू हुए थे दो दो चार पाँच से, और यहाँ पे बचे हैं दो, इसका मतलब यहाँ पे पाँच थे, यहाँ पे चार आ गए, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, तो लास्ट वाले में एक होना चाहिए। तो आप देख लीजिए एक कौन से में है, तो इसमें आपके चार हैं, इसमें तो पूरे पाँच हैं, इसमें दो हैं, सिर्फ एक ये वाला है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो पूरा तो आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करिए जल्दी से, और 15 में क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पे भी आपकी एक आकृति बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पे अगर मैं इधर से चलूँ तो बढ़ती हुई जा रही है, इधर से देखूँ तो घटती हुई जा रही है। दो दो चार, यहाँ पे चार थी, यहाँ पे सेम आकृति वही तीन है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे बीच में दो वाली आकृति आनी चाहिए, तो दो यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं बिल्कुल, ये तो जो इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, अब मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ अलग अलग टाइप के, अब मेरे पास भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बना के ही लेके आने पड़ते हैं जितने भी आते हैं, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक, 16 को ट्राई करिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ये बताइएगा। तो मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए ये आपका चारों भुजा मतलब इसकी थी एक बॉक्स टाइप में, फिर एक भुजा को ऊपर को कर दिया गया है, फिर दूसरी भुजा को इसको ऐसे घुमा दिया गया है, अब की बार तीसरी को भी घुमा दिया जाएगा, तो तीसरी घूमने के बाद में कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो इस तरीके की देख लीजिए, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को ट्राई करिए, 17 में क्या आएगा। तो भैया 17 में भी सिंपल सी एक सीरीज चल रही है, मतलब सिंपल सा ही है बिल्कुल बहुत ही। ये जो आपका ये वाले पॉइंट मान लीजिए, या फिर ये वाले पॉइंट वाले कोई भी देख लीजिए, ये एक एक ऊपर की मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है ना। किस तरीके से, ये वाला यहाँ पे था तो ये यहाँ पे चला गया, और बाकी के फिर वैसे ही घूम गए, ठीक है ना। एक एक बॉक्स ऊपर जा रहे हैं, फिर ये एक बॉक्स फिर इधर से आ जाएंगे, तो अब की बार जो ये खाली वाला गोला है छोटा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको एक ऐसा देखना है जिसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें ये अकेला यहाँ पे दिख रहा है, बाकी में नहीं। तो आप एक बार देखिएगा ट्राई करके ध्यान से, तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये, देखिए सभी के आंसर भी मैंने इसमें दे दिए हैं, तो ये सभी के सभी आंसर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च कर लीजिएगा, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, SAURABHMALIK। आप मुझे कहीं पे भी फॉलो करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बस सर्च कर लीजिएगा सौरभ मलिक, और इंस्टाग्राम पे सौरभ मलिक, और लास्ट में 17K और ऐड कर दीजिएगा, तो जो भी सबसे ऊपर आएगा फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा जो भी आपको पूछना हो। तो ऑल दी बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।